बदरुल ईमान मसंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कलीनिनेस इज हाफ ऑफ इट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकिस्तानी निस्फ ईमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हाजरा किचन में खुशामदीद हदीस आपने सुनी अल्लाह अमल की तोफीक दे आमीन आज हाजरा किचन में हम बना रहे हैं बीफ तिक्का बोटी इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ के जी बीफ इसको मैंने थोड़े बड़े साइज की क्यूब में कटवा लिया है और ये बीफ जो है ये अंडर कट है अंडर कट बहुत जल्दी गल जाता है इसको करते हैं मैरीनेट मैरीनेट करने के लिए मैंने लिया है आधी प्याली दही और एक चम्मच भर के ली है मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें ये अच्छा चटपटा बनेगा और ये मैंने लिया है अदरक लहसन का पेस्ट एक चम्मच भरकर और इसमें नमक डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालते हैं आधा चम्मच और एक नींबू का रस डालते हैं इसमें एक चम्मच डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया और एक चम्मच डालेंगे, डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा और एक चाय का चम्मच इसमें डालेंगे मीट टेंडर इससे इसको गलाने में मदद मिलेगी और एक चम्मच भरकर डालेंगे तिक्का मसाला पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले लें और इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे ताकि ये बोटियों में अच्छे से लग जाए और फिर इसको तकरीबन पाँच से छः घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए अब ये मैरिनेट हो चुका है आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हो मैंने पाँच से छः घंटे के लिए रखा था अब मैं इसे वुडन्स की ओर में परोती हूँ आप पाँच से छः बुटियाँ एक स्कोर में लगा लें और इसको फिर तवे पे अच्छे से सेक लें इसी रेसिपी के साथ आप चीखों पर लगा कर कोयलों पर भी बना सकते हो इसको बारबी क्यू लिए ज़्यादा ही एहतमाम करना पड़ेगा वो ज़्यादा कम काम लंबा हो जाता है ये आप आसानी से ही बना सकते हो तवे पर डिनर में आपका दिल कर रहा है बनाने को तो आप मसाला लगा कर रख लें फ्रीज़ कर लें इसको और फिर आप जब चाहे इसको निकाल के बना सकते हो इस तरह तवे पर ये तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ये अच्छे से गर्म होता है अब मैं इसके ऊपर ये सारी स्टिक रखती हूँ और ये अंडर है ना तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा इसके लिए कोई ख़ास एहतमाम नहीं करना पड़ेगा गलाने के लिए अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और फ्लेम इसकी मीडियम ही रखें आप ज़्यादा तेज़ ना करें और ज़्यादा हल्की भी ना हो मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से बन जाएगा अगर फ्लेम कम हुई तो इसका मसाला उतर जाएगा ऊपर से और ये पानी छोड़ देगा और अगर फ़्लेम तेज़ होगी तो ये जल जाएगा इसलिए फ़्लेम जो है वो दरमिया रखें और ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा अब ये तैयार हैं इसको डिश आउट करते हैं इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में प्यारी सी हदीस और रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़